नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा जगह है जहां भारत का हर एक व्यक्ति को आना ही चाहिए और उस जगह का नाम है मनाली। भारत का शहर हिमाचल प्रदेश में बसता है मनाली, जिसे लोग वैली ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। मनाली एक ऐसा जगह है जहां आपको ढेर सारे अट्रैक्शन, बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स और सर्दी और गर्मी का दोनों सीजन में घूमने के लिए अलग ही एक मज़ा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं जयंत और वेलकम टू माय चैनल द शील्ड द मैन। तो आज इसी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको अबाउट मनाली, जैसे मनाली का जियोग्राफी, पर डे टेम्परेचर, सीजन वाइज टेम्परेचर, मनाली का हिस्ट्री, मैप्स और बेस्ट टाइम टू विजिट इन मनाली। हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। आप मनाली कैसे पहुंचोगे, फ्लाइट, बस, ट्रेन और इंटरसिटी का बारे में बताएंगे। इसका अगले पॉइंट आता है हमारा प्लेस टू विजिट। मनाली में कौन सा प्लेस आपके लिए बेस्ट रहेगा घूमने के लिए। मनाली ऐसे बहुत बड़ा जगह है, तो कौन सा प्लेस हम लोग चॉइस करके रखा है वही चीज़ आपको दिखाएंगे और घुमाएंगे। और बेस्ट अट्रैक्शन, बेस्ट रेस्टोरेंट और बेस्ट एक्टिविटी कौन सा रहेगा, इसका आगे बताएंगे हम लोग। होटल के बारे में, मनाली का जो होटल आपके लिए सस्ता पड़ सकता है, बजट फ्रेंड होटल है, तो उस होटल के बारे में बताएंगे। और होटल के अंदर बताएंगे आपको कौन सा डे पे कौन सा प्लान करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिए वीडियो को। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट, टोटल एक्सपेंस शीट, मतलब पूरा टोटल बजट क्या बनेगा आपका ये जानने का, वो हम बताएंगे वीडियो का अंत में। तो अगर वीडियो पूरा देखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और बनते रहिए मेरे वीडियो में ऐसे ही। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश का जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश स्टेट का कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है मनाली, जो समुद्र से करीबन 6500 फीट की ऊंचाई में बसता है। और हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला से 270 किलोमीटर का दूरी पे है, और भारत का कैपिटल दिल्ली से 550 किलोमीटर का दूरी पे है। अभी हम लोग बात करेंगे मनाली का हिस्ट्री के बारे में। मनाली का नाम वेद युग से आ रहा है। मनाली सबको मतलब है मुनि प्लस आली, इसका मतलब होता है मुनि का, मुनि ऋषि का घर। जब प्रकृति में एक बार बहुत बड़ा बाढ़ आई थी, उस टाइम ये माना जाता है मुनि ऋषि ने इंसान का जिंदगी एक बार दोबारा बनाया था, इसीलिए मनाली को शायद वैली ऑफ गॉड भी कहा जाता है। और एक मनाली में आपको मुनि ऋषि का एक अलग से पर्टिकुलर मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। बस इतना ही नहीं, बहुत सारा इतिहास का और भी बात इस जगह पे छुपा हुआ है, इसीलिए इसका हिस्ट्री बहुत मस्त है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट इन मनाली। मनाली एक ऐसा जगह है जहाँ आप 12 महीने घूमने आ सकते हो। बेस्ट टाइम अगर समर का बात करें तो समर मार्च से लेकर जून तक, जहाँ का टेम्परेचर रहता है 10 डिग्री से लेकर 17 डिग्री तक, तो ये भी टाइम बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा टाइम है विंटर का टाइम। विंटर का टाइम बर्फ से पूरा ढका हुआ मिलेगा आपको मनाली शहर। तो अक्टूबर का टाइम होता है आपका, अक्टूबर से फरवरी तक आपको विंटर सीजन में आ सकते हो। इस टाइम का टेम्परेचर रहता है करीबन -1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक। और मनाली में घूमने आ सकते हो अब जुलाई से लेकर सितंबर तक, जिस टाइम थोड़ा गर्मी रहता है और आपको पहाड़ और हरा भरा पेड़ दिख जाएगा। उस टाइम का टेम्परेचर रहता है करीबन 10 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक। अभी हम लोग बात करने वाले रहे मनाली का ट्रांसपोर्ट के बारे में। मनाली के ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है ट्रेन, बस, अपना पर्सनल व्हीकल और फ्लाइट भी। तो अगर फ्लाइट से आप जाना चाहते हैं तो मनाली में कोई फिलहाल एयरपोर्ट नहीं है, बट मनाली का थोड़ा नज़दीक कुल्लू में एक एयरपोर्ट है। कुल्लू से मनाली का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, जिसके लिए आपको फ्लाइट से उतरेंगे तो आपको हर एक व्हीकल मिल जाएगा पर्सनल, जो आप बुक करके आ सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप फ्लाइट बुक करेंगे, टिकट अवेलेबिलिटी के साथ आप ये भी देखना पड़ेगा आपको कुल्लू में वो एयरपोर्ट ओपन है कि नहीं। कभी कभी मौसम के ख़राब होने के कारण एयरपोर्ट बंद रहता है, तो काइंडली चेक कर लीजिए। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो कल का स्टेशन हम स्टेशन है जो करीबन बहुत दूर है मेरे हिसाब से, वो मत ही आइए। पर ट्रेन से आना चाहते हो आप आ सकते हैं, 280 किलोमीटर दूर है मनाली से, तो कल का उधर से भी आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। स्टेशन से उतरने के बाद आपको बस, पर्सनल व्हीकल, फोर व्हीलर सब रेंट पे मिल जाता है, कोई इशू नहीं होगा आने का। अगर आप बस से आएंगे तो बस का साथ बहुत सारा बड़ा बड़ा शहर का इंटरलाइन कनेक्शन हो चुका है, जैसे आपको मिल जाएगा बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी, चंडीगढ़, अम्बाला एंड दिल्ली। तो दिल्ली से आप लोग इजीली आ सकते हो
ये बस में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, 9500 के अंदर आप पहुँच जाओगे तुरंत। अगर आप दिल्ली से अपना पर्सनल व्हीकल कार और बाइक लेके जा रहे हो तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 550 का किलोमीटर का डिस्टेंस है, लगभग करीबन 13.5-14 घंटे के अंदर आप पहुँच ही जाओगे। आपका जाने का रूट होगा ऐसा, दिल्ली, दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू बिलासपुर, बिलासपुर टू मंडी, मंडी से कुल्लू एंड देन कुल्लू से मनाली, ये रहेगा आपका डेस्टिनेशन। और अगर हम बात करें मनाली का इंटरनल सिटी का कनेक्शन, आपको हर जगह के लिए ओला, ऑटो नहीं तो गाड़ी मिल जाएगा, आप उस पर आराम से सिटी टूर। अभी हम लोग बात करने वाला है हमारा थर्ड टॉपिक, टॉप अट्रैक्शन ऑफ मनाली। तो पहले आता है हमारा हिडिंबा टेम्पल, सोलंग वैली, रोहतांग पास, मनु टेम्पल, ओल्ड मनाली, अटल टनल, मॉल रोड एंड नेहरू कुंड, लास्ट में आता है सिसु। वन ऑफ द बेस्ट थिंग, टॉप प्लेस टू ईट, सबसे पहले आता है चॉपस्टिक, उसके बाद आता है आइल फोनो, देन डिफर्स कैफे, कैफे 1947, जॉनसन्स कैफे, लास्ट में स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड में मेरा पर्सनल ओपिनियन है वहाँ का सिद्धू। सिद्धू अब जा रहा है तो सिद्धू मस्ट मस्ट आपको ट्राई करना ही होगा, इज अ फेमस थिंग, आई लव इट। टॉप एक्टिविटीज़, अगर मनाली को इंडिया का सबसे ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटी के नाम पर बोला जाएगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आते हैं हमारा रिवर राफ्टिंग, उसके बाद जिप लाइन, उसके बाद हॉट एयर बैलून, उसके बाद जोरबिंग, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल वन इज अ पैराग्लाइडिंग, जो सबसे बढ़िया लगा मुझे। नाउ कम टू द आइटिनरी ऑफ दिस जर्नी, तो पहला दिन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे टू में हम लोग ए थ्री एंड बैक टू होम। हमारा आइटिनरी प्लान है 4 days and 3 nights का, तो इस हिसाब से हमने बता दिया आपको क्या क्या करना चाहिए, इस हिसाब से आप जाएंगे तो पूरा कवर कर सकते हैं और फिर घर वापस आ सकते हैं रात में, बस ट्रेन आपका जो भी प्लान है। बेस्ट होटल इन मनाली, मनाली में आप दो जगह पे होटल ले सकते हैं, एक है मॉल रोड का सामने और एक ओल्ड मनाली का सामने, बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीजन पे आ रहे हो तो मॉल रोड पे ज़्यादा भीड़ रहेगा, बट मॉल रोड से आपका सब कुछ डेस्टिनेशन नज़दीक होगा, इसलिए मॉल रोड सबसे बेस्ट रहेगा अगर मिल जाएगा तो। और बात करते हैं अभी एक्सपेंस लिस्ट इन मनाली, मैंने टोटल कितना एक्सपेंस खर्च हो सकता है, कितना अप्रोक्सीमेटली कितना है, मैंने पूरा लिंक दे दिया आपको, पॉज करके वीडियो देख लीजिए। अगर आप इतना दूर तक मेरा वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।